नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रिद्धि मिर्जे से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। इस शो की प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आज एक हाईवा गाड़ी बल्लूर जा रही थी, बगल में एक बच्ची साइड हुई, साइड के बाद हाईवा का जो बगल में सती रोड का जो स्लैब था वो फट गया, का चक्कर नीचे चला गया, उससे बच्ची का पैर पूरा दब गया था। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आई है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बालू लदी हुई हाईवा ट्रक के अनियंत्रित होकर के एक दुकान में जा घुसी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी गई। वहीं इस घटना के चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जबकि उसको निकालने गए एक अन्य व्यक्ति भी इसके चपेट में आने से जख्मी हो गया। घटना में दोनों घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि क्रेन मंगवाकर बालू लदी हाईवा को निकालने का काम में जुटी हुई है। बता दें कि नाले के धंसने के कारण से यह हादसा हुआ है, वहीं इस बड़ा हादसा भी टल गया। शिक्षा का अधिकार भेदभाव को झांकी के तीसरे चरण में दर्शाया गया है, विशेष करके बेटे और बेटियों में जो भोजन में अंतर होता है, पोषण का अधिकार, जीने का अधिकार, पोषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और तभी बेटियां बन पाएंगी समाज के और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। बेटी कुदरत की सिंगार है, बेटी दुर्गा की अवतार है, बेटी ममता की मूरत है, बेटी घर घर की जरूरत है, बेटी बाग भले खिलते हो फूलों से, घर आंगन में बेटी खिलती है। सच तो यह है कि किस्मत वालों को बेटी मिलती है। आइए बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं, तभी बेटियां आईएएस ऑफिसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न पदों को सुशोभित करेंगी। बेटियों को जीने का अधिकार दें, बेटियों को पोषण का अधिकार दें, बेटियों को शिक्षा का अधिकार दें। परंतु कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सारी चुनौतियों को पार कर बेटियों की आवाज झांकी के चौथे चरण में प्रस्तुत है, चूल्हा चौका करता हुआ। पर वहीं तक सीमित नहीं रहना मुझे मंजूर, चाहे करना पड़े नौकरी तो फिर हक से कहना सबको मुझे, मैं बोझ नहीं बनाना चाहती, मैं सोच से आगे आऊंगी। बेटियां बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने। तो ये ICDS मुजफ्फरपुर लैंगिक हिंसा को छोड़ महिला सशक्तिकरण की ओर और जीने का अधिकार, पोषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार पाकर बेटियां पत्रकार, डॉक्टर, मेयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, तुम अभी नहीं पी, अरे करा चुका चुका कर। पढ़ाई 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 छोड़ो, देख चलो लड़का बुला रहा तुमको देखने। पापा अभी हम पढ़ेंगे, अभी शादी नहीं करेंगे। पापा अभी हम पढ़ेंगे, अभी शादी नहीं करेंगे। बेटियां हमारा भविष्य, ये रही हमारी बेटियां। और ये देखिए, बेटियां जब शिक्षित होंगी, बेटियां जब उनको पूरा पोषण मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तो किरण बेदी बनकर, मेयर बनकर और अलग अलग पदों को सुशोभित करेगी। कोई लता मंगेशकर बनेगी, कोई सानिया मिर्जा बनेगी, कोई सुनीता विलियम्स बनेगी। और इस तरह से बेटियां बेटों से कम नहीं है। इसके बाद उत्पाद विभाग द्वारा मद्य निषेध की झांकी, शराबबंदी और इसके फायदे, और समाज और पूरा प्रशासन इसको रोकने के लिए तत्पर। स्वच्छ और सुरक्षित समाज, स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज, खुशहाल समाज की स्थापना के लिए उत्पाद विभाग द्वारा मद्य निषेध से संबंधित यह झांकी
प्रस्तुत कर रहे हैं। और नशा जीवन को नाश करता है, यह संकेत देता हुआ और शराब न पीने की चेतावनी और क्या होता है उन नशेलियों का, क्या बताऊं, क्या भेद तेरे दीवाने में है, एक नाली में पड़ा है तो दूसरा बैखाने में है, तेरे हुस्न की रानाइयों का क्या कहना, कल जमानत पे छूटा था आज फिर थाने में है। तो हम इससे बचे, नशा नाश का घर है, नशा को त्याग कर स्वस्थ और सुंदर समाज की स्थापना करें और अगली प्रसूति सुंदर स्वच्छ और स्मार्ट मुजफ्फरपुर, जहां म्युनिसिपल शॉपिंग मार्ट तिलक मैदान रोड में, जहां सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित सुंदर और स्वस्थ हमारा अमृत महोत्सव पार्क के साथ साथ मल्टीप्लेक्स स्पोर्ट्स भवन। तो आइए हम सभी इस सुंदर और स्वच्छ मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में नगर निगम मुजफ्फरपुर, जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर का यह सुंदर प्रयास, हम सभी सौभाग्यशाली हैं इस कला संस्कृति साहित्य की भूमि और स्मार्ट मुजफ्फरपुर के रूप में हमें दिखेगा और धीरे धीरे स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनने की तैयारी और हम सभी स्मार्ट बनेंगे। मुजफ्फरपुर हमारी शान, हमारी आन बान शान की यह सिटी होगी स्मार्ट सिटी के रूप में। बहुत ही सुंदर प्रयास, बहुत सारे पार्क, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, अलग अलग खेलों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम के साथ मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, बहुत ही सुंदर दृश्य। और इसके बाद शिक्षा विभाग, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पूरे बिहार में सबसे पहले मुजफ्फरपुर के बुचहा प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हुई और ये बहुत ही सुंदर प्रयास, लगभग 75% अभिवंचित वर्ग की बच्चियों को, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं कृपया आगे से हट जाएं, हमारे सलामी मंच के जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं पूरे झांकी को सही ढंग से देख पाए। शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसमें आत्मरक्षा जूडो कराटे की का प्रदर्शन करते हुए हमारी ये बच्चियां रुचि कुमारी, मौसमी कुमारी, तुलसी कुमारी, सृष्टि कुमारी, वर्षा कुमारी, शालिनी कुमारी, निशा कुमारी, मुस्कान कुमारी, करीना कुमारी और शिवांगी जूडो कराटा लड़कियों को आत्मरक्षार्थ, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, हम किसी से कम नहीं है, कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। तो हमारे सामने ये बेटियां, हमारे मुजफ्फरपुर की बेटियां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ये बेटियां, जिसमें अभिवंचित वर्ग के 75% बच्चियां पढ़ती हैं, साथ ही साथ 25% आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियां यहां शिक्षा ग्रहण करती है। कला साहित्य संस्कृति रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, साथ ही साथ आत्मरक्षा जूडो कराटे की प्रैक्टिस करती हुई ये बच्चियां। कस्तूरबा गांधी टैक्वांडो की प्रस्तुति बिहार शिक्षा परियोजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केंद्र सरकार में सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में जिले में 16 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है। इन विद्यालयों में कम से कम 75 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षित है। 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं यहां पढ़ती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2006-07 में की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य विषय विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग के बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, माता पिता एवं अभिभावकों को प्रेरित करना, जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन हेतु भेजा जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अब 12वीं तक की परीक्षा बच्चियां इसमें पढ़ सकती हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में अभी तक केवल 8वीं तक की बच्चियों को इसमें शामिल, 10वीं तक की बच्चियों को इसमें शामिल किया गया है। आने वाले समय में इसके बाद DRDA की यहाँ सुंदर झांकी
मंच के सलामी मंच के ठीक सामने से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता सुंदरता हम कैसे पूरे से पूरे का सही जगह निष्पादन करें, अपने शहर को अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, स्वच्छ शहर और स्वच्छ ग्राम, यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सुंदर प्रस्तुति सफाई कर्मियों के साथ और जल संसाधन का समुचित उपयोग पूरे का उचित प्रबंधन स्वच्छ जल स्वच्छता समिति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यह सुंदर प्रस्तुति बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता के लिए ODF। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट मार्बल सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर कॉल 9934753111।